तो ये देखिए फ्रेंड, मैजिक मटर का, ठंड में मटर का मैजिक हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए, खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए, आज हम लोग तो मटर फ्रेंड का आज हम लोग दाल मटर बनाते का हैं। दाल बनाएंगे, हरी वाले दाल बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लिए हैं और यहाँ पर मटर को डाल के भूनेंगे। इसे चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर हम लोग नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, बाकी हम दाल बनाते हुए इसमें डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम लोग कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग इसे कवर कर देंगे ताकि जल्दी से कुक हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा और अभी बाकी है, 1 मिनट के लगभग में और इसे हम कुक करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 मिनट और लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हाथ से ऐसे मैश करके देखेंगे कि सॉफ्ट हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए अभी से हम लोग थोड़ा सा ठंडा करके इसे मिक्सर जार में डाल के या सिलबट्टे पे आप पीस सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मिक्सर जार में डाल के हल्का सा दरदरा टाइप का पीसेंगे। तो पीस कर फिर मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने पीस लिया है और थोड़ा सा दर्दा है या फिर पीसना था, हल्का सा आप पानी डाल के पीस सकते हैं या सूखा भी पीस सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको तड़का लगाते हैं। तो तड़के के लिए हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल भी गर्म हो चुका है। और देखिए यहाँ पर हम लहसुन और हरी मिर्च लिए हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर जीरा ऐड करेंगे। इसी कढ़ाई में हम बना रहे हैं जिसमें हम फ्राई किए थे, और यहाँ पर हम लोग लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग हींग भी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये मटर है डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए, और हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठंडी में हींग खाने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसे हम लोग फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कलर चेंज होने लगा है लहसुन का, थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अब कलर चेंज हो चुका है, हम टमाटर ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड हम लोग टमाटर फ्राई होने तक इसे, यानी सॉफ्ट होने तक इसे हम लोग धीरे धीरे चला चला के बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग 2 मिनट बाद मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं है यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हम दाल बना रहे हैं। तो 1/2 चम्मच के करीब में मसाला पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, बस इतना ही मसाला ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा मसाला नहीं। और 1 मिनट के लिए इसे भी हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मसाले भून चुके हैं, और इसे हम लोग थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे, धनिया पत्ती यहाँ पे, और थोड़ा सा हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे। और इस टाइम पे चलिए हम लोग डाल देते हैं मटर जो हमने पीस के रखा है। सॉरी, देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है मटर का, ग्रीन ग्रीन। तो इसकी दाल भी बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है फ्रेंड, इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा एक बार। ये यूपी स्टाइल वाली दाल बन रही है, तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे हम लोग 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए दाल फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, अगर आपको गाढ़ी दाल चाहिए तो कम यूज करिएगा, थोड़ा पतला चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला दाल इसके नहीं मज़ा आता है खाने में। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से दाल बनाइएगा। तो चलिए इसे हम लोग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ढक के कुक कर लेंगे,
फिर कुक करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप इस टाइम पे नमक अगर आप टेस्ट करके डाल सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी नमक इसमें डाले हैं, और नमक अगर कम लगे तो आप डालिए, नहीं तो अगर बराबर है तो फिर नमक इस समय मतलब नमक नहीं डालिए। तो चलिए अब इसे कुक कर लेते हैं। खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग यूपी स्टाइल वाला हरी वाली दाल बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऐसे ही रेसिपी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा एक डेली एक न्यू वीडियो आपको न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो फिर हम लोग बार चेक कर लेते हैं दाल को। तो दाल देखिए बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, और इतना पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। तो चलिए हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो फिर देखिए दाल बन के रेडी हो चुका है। और तो चलिए अभी इसे हम लोग गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा धनिया से, और इसे कवर कर देंगे, जब खाना होगा तो सर्व करेंगे। तो फ्रेंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा चैनल